हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। पहले स्लम बस्तियों में पानी की दिक्कत होती थी, लेकिन अब पॉश एरिया भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर नल कनेक्शन नहीं है, बल्कि पानी का प्रेशर कम होने के कारण अधिकांश परिवार वंचित रह जाते हैं। इसके बाद उन्हें रोज की जरूरत के लिए टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है। हनुमान नगर जोन 3 के करीब 15 इलाकों में 150 से 180 टैंकर रोजाना पानी की सप्लाई की जाती है। कई बार मांग इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है। हनुमान नगर जोन 3 के छत्रपति नगर, चक्रपानी नगर, सिद्धेश्वरी नगर, माँ भगवती नगर, नेर बाबा नगर, विट्ठल नगर, आराध्य नगर, अभिजीत नगर, श्री कृष्ण नगर, अलंकार नगर, दौलत नगर आदि जगहों पर पानी की डिमांड सबसे ज्यादा है। एक ट्रैक्टर एक दिन में करीब 10 फेरियां लगाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार टैंकरों से रोज की जरूरत के पानी की पूर्ति कुछ हद तक जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन पेयजल के लिए इन्हें पानी की कैन मंगानी पड़ती है। हालांकि इस मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शहर में पानी का स्टॉक पर्याप्त है, आगामी 2 महीनों तक भी पानी की कोई कमी नहीं होगी। सामान्य जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करने के लिए पालक मंत्री नितिन राउत की अध्यक्षता में 14 मई को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पालक मंत्री जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए नागरिकों को 13 मई को जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व विभाग में लिखित आवेदन करना होगा। 14 मई को भी समय पर आने वाली समस्याओं व आवेदनों को समाविष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। महानगर व जिले की समस्या संवाद में रखी जा सकेगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लिखित आवेदन के साथ संबंधित को खुद उपस्थित रहना होगा। नागरिकों से अवसर का लाभ उठाने की अपील पालक मंत्री ने की है। तपती धूप के बीच पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं है का बोर्ड दिख जाए तो ग्राहक परेशान हो जाते हैं। उनके मन में यही विचार आता है कि अब अगले पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचेंगे। इन दिनों कई वाहन चालकों को इस तरह की विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है पेट्रोल पंपों पर सप्लाई का लड़खड़ाना। कुछ दिनों से पेट्रोल पंपों पर सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। इसके कारण शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई अवस्था में नजर आते हैं। तीनों कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर इस तरह के हालात देखे जा सकते हैं। सप्लाई में कम 1 से 1.5 दिन का फर्क आया है। पहले की तरह पंपों पर सुचारू रूप से सप्लाई नहीं होने से पंप जल्द ही ड्राई होने की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार कंपनियों के पुराने अधिकारियों के ट्रांसफर होने के कारण पंपों पर सप्लाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। नए अधिकारियों की अपनी एक पॉलिसी है। पहले के अधिकारी जहां पहले माल बेचो और बाद में राशि भरने को बोलते थे, लेकिन अभी के अधिकारी पहले राशि भरो बाद में माल मिलेगा कहते हैं। बीते कुछ दिनों से उमस भरी भीषण गर्मी से जूझ रही सिटी को गुरुवार की शाम हुई बारिश ने राहत दी। सुबह से तो तेज धूप के साथ ही उबालने वाली गर्मी हलाकान करती रही, लेकिन शाम करीब 5:15 बजे से तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। धूल भरी आंधी के बाद अचानक हवा में ठंडकता महसूस होने लगी और फिर सिटी के कई इलाकों में शाम 6:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। कई तेज तो कई हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम कूल हो गया। कई इलाकों में बूंदाबांदी ही हुई। दिन भर उमस भरी गर्मी से परेशान शहरवासियों को शाम को हुए सुहाने मौसम ने काफी राहत प्रदान की। लोग देर शाम मौसम का आनंद उठाने के लिए फुटाला, अंबाजरी आदि परिसरों की सैर के लिए भी निकले। मौसम विभाग ने सिटी में रात 8:30 बजे तक 2.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। वही अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लेकिन न्यूनतम तापमान अचानक ही काफी बढ़ गया। विभाग ने सिटी का न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके चलते रात में गर्मी बढ़ गई। कोरोना वायरस महामारी के संबंध में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जोनल स्तर पर एक पूर्णकालिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक अब सीवेज, पानी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट जैसी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने इन केंद्रों को सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए थे। चूंकि आजकल कोविड-19 के मामले पहले से काफी कम है, इसलिए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इन सभी प्रकोष्ठों और समस्या निवारण केंद्रों को कुशलतापूर्वक संचालित करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में नागपुर शहर का तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और नागरिकों की मूलभूत समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मनपा आयुक्त ने नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे। जोनल स्तर पर मनपा आयुक्त और प्रशासक द्वारा सभी जोन के सहायक आयुक्तों को इस केंद्र में नागरिकों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए गए हैं।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग और नागपुर शहर कांग्रेस क्रिश्चियन कम्युनिटी सेल ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जाकर बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं तमाम नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर और अन्य लोगों का पुष्पगुच्छ एवं भेंट वस्तु देकर सत्कार करते हुए मनाया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभिमन्यु, प्राध्यापक प्रकाश मकासरे, प्राध्यापक रेखा रानी सिंह, प्रोफेसर वर्षा श्रीखंडे, प्रफुल्ल ढवाले, प्रोफेसर पूनम खराटे व अन्य प्राध्यापकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर एमपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जॉन थॉमस, संजय शिंदे, एमपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव रमन कलवले, राजेश पीटर, एडवोकेट लिनेट सेंटियागो, एमपीवाईसी सचिव एनएश नियोगी, पास्टर आजाद सिंह, एनएसयूआई के उज्ज्वल खापरडे, एरोन कोटजड़े आदि ने सत्कार समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम हर्षोल्लास व उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में लक्ष्मीनगर और गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत पांडे लेआउट खामला में सीमा सेल्स दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। गांधीबाग जोन के अंतर्गत गांधीबाग स्थित साहू प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह धर्मपेट जोन के अंतर्गत रामदासपेट स्थित श्रीवास्तव बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह धंतोली जोन के अंतर्गत सूरज गृह निर्माण सोसाइटी मनीष नगर में वामबटकर बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के निकट बिल्डिंग मटेरियल डालने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह तमाम कार्रवाई मनपा के उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। 16 मई 2022 को नागपुर महानगर पालिका का मलेरिया और हाथी रोग विभाग राष्ट्रीय डेंगू दिवस मना रहा है। डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 12 मई 2022 को जोन में 1 से 5 और 13 मई 2022 को जोन 6 से 10 में रैली निकाली गई है। साथ ही बुधवार को आरटीओ नागपुर विभाग ने तमाम कूलरों में बार्सिलो टैबलेट छोड़े। इस अवसर पर मलेरिया एवं हाथीरोग अधिकारी डॉक्टर जैस्मिन मुलानी ने स्टाफ का मार्गदर्शन किया। नंदनवन थाने में मनपा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा बार्सिलो टैबलेट बांटे गए। बुधवार को सक्करदरा बाजार में कार्यशाला आयोजित कर जानकारी प्रदान की गई। धंतोली गार्डन में कार्यशाला का आयोजन कर बार्सिलो टैबलेट का वितरण किया गया। धंतोली जोन के नर्सिंग विद्यालय में कार्यशाला आयोजित कर मार्गदर्शन किया गया। गणेशपेट बस स्टैंड पर जागरूकता फैलाई गई और बार्सिलो टैबलेट वितरित किए गए। मंगलवारी जोन के दयानंद पार्क में भी कार्यशाला का आयोजन कर बार्सिलो टैबलेट का वितरण किया गया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र वैष्णव देवी चौक स्थित केशवम में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल की अगुवाई में संत परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज का शॉल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। श्री रामकृष्ण पोद्दार व मधुसूदन सारडा के संयुक्त प्रयास से यह कार्य हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार, राधाकृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन पोद्दार उपस्थित थे। इस समय अग्रवाल के साथ उज्ज्वल गौरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, भाजपा एनजीओ आघाड़ी शहर अध्यक्ष नरेश जुम्मानी, महेश्वर वानप्रस्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रमाकांत सारडा, पवन जाजोदिया, मधुसूदन सारडा, दिनेश गोयल, जगदीश बिहानी आदि ने भी महाराज से आशीर्वाद लिया। 11 मई को महानिर्मिति ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखते हुए अपने सभी 27 ताप विद्युत उत्पादन संचों को संचालित करके एक बार फिर बिजली उत्पादन हासिल करने में सफलता हासिल की है। पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बार है जब महानिर्मिति ने कीर्तिमान बनाया है। इसी अवधि के दौरान महानिर्मिति की कोयला जल विद्युत परियोजना के सभी संच के साथ साथ अन्य छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रमुख संच भी उपलब्ध थे और आवश्यकता के अनुसार बिजली उत्पादन हासिल किया गया था। महानिर्मिति का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन साबित करता है कि ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार अपनी स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग कर राज्य के लोगों को राहत प्रदान करने में महानिर्मिति लगातार अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। महानिर्मिति के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बारे में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने महानिर्मिति के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक संचालन चंद्रकांत थोटवे के साथ साथ वरिष्ठ प्रबंधन और सभी इंजीनियरों को बधाई दी है।
तेज गर्मी के चलते एसी और कूलर के बढ़ते उपयोग ने महावितरण की बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे पिछले दो दिनों में नागपुर शहर के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। महावितरण निर्बाध और उचित बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए महावितरण ने ग्राहकों से इस अवधि के दौरान कंपनी के साथ सहयोग करने की अपील की है। खापरखेड़ा में महापारेषण के सबस्टेशन पर लोड बढ़ने के कारण वेव ट्रैप के कंडक्टर में खराबी आई, जिसके चलते 10 मई की रात करीब 11:30 बजे खापरखेड़ा कन्हान स्ट्रेच की 220 किलोवाल्ट बिजली लाइन निष्क्रिय हो गई थी। नतीजतन बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। निर्मल नगर सबस्टेशन से बिजली सप्लाई करने वाला 33 किलोवाल्ट अंडरग्राउंड केबल बुधवार को फेल हो गया। इससे क्षेत्र में एक फीडर पर ग्राहकों को बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई, साथ ही इस केबल का पावर लोड डायवर्ट कर दिया गया। इस दौरान जमीन से 8 से 10 फुट नीचे अंडरग्राउंड केबल में खराबी का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार नागपुर की सभी शाखाओं द्वारा भारत गौरव राष्ट्रसंत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 52वें अवतरण दिवस पर बुधवार को महावीर नगर स्थित पुलक मंच परिवार के कार्यकाल में संगीत नमोकार महामंडल विधान गुरु पूजन का आयोजन किया गया। सुरेश महात्मे और जितेंद्र गडेकर ने ये पूजन सम्पन्न किया। सुनील आगरकर, पंकज खेड़कर, राजेंद्र सोनटक्के, नितिन पलसापुरे ने विविध भजन गाए। उपस्थित सभी ने गुरुदेव के दीर्घायु की कामना की। भारत गौरव राष्ट्रसंत पुलक सागर जी गुरुदेव अभी कोपरगांव में हैं। इस अवसर पर जैन मंदिरों के सेवकों को अनाज वितरित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, डॉक्टर ऋचा जैन, पंकज बोहरा, शरद मचाले, मनोज मांडवगढ़े, प्रकाश उदापुरकर, किशोर कहाते, प्रभाकर मानेकर, दिलीप सावलकर, कुलभूषण डहाले, संजय आगरकर, अमोल भुसारी, रमेश उदयपुरकर, प्रशांत कहाते, मधुकर राव नखाते, राजकुमार जैन, रविकांत जैन, निशिकांत काटोलकर, शुभांगी लंबाड़े, हेमलता गडेकर, ज्योति भुसारी, निकिता मधोलकर, मोना काले, प्रतिभा नखाते, नीलम जैन, दीपा जैन आदि उपस्थित थे। लकड़गंज परिसर में देवड़िया प्रस्तुति गृह के लिए 31 करोड़ 82 लाख रुपए की विकास निधि के प्रस्ताव को मंजूरी के संकेत मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस संबंध में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। प्रस्ताव के संबंध में विधायक कृष्णा खोपड़े व विधायक विकास कुंभारे ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की। विधायक खोपड़े ने बताया कि क्वेटा कॉलोनी लकड़गंज परिसर में देवड़िया प्रस्तुति गृह की इमारत की स्थिति खराब है, वहां कचरा जमा किया जाने लगा है। मनपा के तत्कालीन स्वास्थ्य सभापति मनोज चावले ने इस इमारत के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने की पहल की। यूसीएचसी अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र विभाग की ओर से 31 करोड़ 82 लाख रुपए की नई इमारत के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मनपा आयुक्त के माध्यम से ये प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य सेवा व संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान मुंबई को भेजा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी प्रस्ताव भेजा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था, लिहाजा प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है और जल्द ही निधि उपलब्ध हो जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा नागपुर की वरिष्ठ सदस्य उर्मिला अग्रवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल में उनकी आवश्यकता अनुसार 10 कीमो चेयर के लिए अनुदान किया गया। संस्था सदस्यों द्वारा अस्पताल के जनरल वार्डों में मरीज में आम, अंगूर, सेब, छाछ, जूस आदि का वितरण किया गया। विशेष बात यह रही कि 2 से 3 घंटे तक इन महिलाओं ने मरीजों के साथ उनके सुख दुख साझा कर आवश्यकता अनुसार उनकी आर्थिक सहायता करते हुए भविष्य में हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। संस्था अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल, सचिव माया शर्मा, अलका राठी, पूर्णिमा गोयल, कविता खेमका, स्वाति अग्रवाल, रितु सारडा, ममता अग्रवाल आदि सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। आने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर शिवसेना के स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना के पूर्व संपर्क प्रमुख महेश उमरेडकर, प्रवीण बाल मुकुंद शर्मा, भारतीय विद्यार्थी सेना जिला प्रमुख डॉक्टर रामचरण दुबे व शहर प्रमुख सचिन शर्मा के नेतृत्व में कई युवाओं ने प्रवेश लेकर शिव बंधन बांधा। शिवसेना पदाधिकारियों ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दुपट्टा पहनाकर शिवसेना तथा भारतीय विद्यार्थी सेना में प्रवेश कराया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दक्षिण पश्चिम विधानसभा प्रभाग प्रमुख राहुल हेडाऊ, राकेश शाहू, शाखा प्रमुख कार्तिक वर्ठी, शाखा प्रमुख लक्की भरने, ऋषि ठाकुर आदि कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान द्वारा संचालित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में शिक्षा महर्षि स्वर्गीय अरविंद बाबू देशमुख की जयंती सादगी से मनाई गई। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने स्वर्गीय अरविंद बाबू देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे स्टाफ के साथ उनको नमन किया। प्राचार्य ने कहा कि हम सभी वाकई बहुत भाग्यवान हैं कि हमें उनकी स्मृति में स्थापित शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित स्कूल में सेवा प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
नागपुर जिले के ग्रामीण अंचल के विकास में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। ग्रामीण नागपुर क्षेत्र के कृषक परिवारों के हजारों बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने में संस्था द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठान उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख एवं पूर्व विधायक डॉ. आशीष देशमुख भी शिक्षा, चिकित्सा एवं बैंकिंग क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं अरविंद सहकारी बैंक के माध्यम से समाज के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर स्टाफ सदस्यों द्वारा उन्हें याद किया गया एवं आदरांजलि दी गई। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी नियमानुसार वैद्यकीय सेवाएं निशुल्क होकर भी पिछले 3-4 माह से मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ नागरिकों को दवा नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से बुजुर्गों की हालत खराब है। कई वरिष्ठ नागरिक अपने घर वालों पर निर्भर है, ऐसी परिस्थिति में दवा के लिए पैसे कहां से लाए, ये सवाल पैदा हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को नियमित निःशुल्क दवा प्राप्त हो, इस प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ फिस्कॉम की ओर से सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय मेडिकल नागपुर के डीन डॉक्टर राज गजभिये से शिष्टमंडल मिला। उनको सारी बातों से अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की एवं बुजुर्ग मरीजों की नियमित रूप से दवाओं का वितरण करने के आदेश दिए। इस अवसर पर फेसकॉम पूर्व विदर्भ विभाग के अध्यक्ष बबनराव वानखेड़े, लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल महालगे नगर के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर, राजा बक्षा ज्येष्ठ नागरिक मंडल के मुरलीधर कुंभलकर, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल के डॉक्टर जफर अहमद, डॉक्टर तुरंतकर, डॉक्टर मुरारी सिंह आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। मौसम विभाग ने मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की है, अतः बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में जनहानि एवं आर्थिक हानि को रोकने के लिए प्रशासन को तैयार रहने का आदेश संभागायुक्त डॉ. माधवी खोड़े चौरे ने दिया है। वे संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्री मानसून तैयारी समीक्षा बैठक के अवसर पर बोल रही थी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस उपायुक्त बसवराज तेली, राजस्व उपायुक्त मिलिंद सालवे, निवासी उप जिलाधिकारी विजय बनकर, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, गोसेखुर्द सिंचाई परियोजना के मुख्य अभियंता आशीष देवगढ़े, अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के सुरेश कराले, कृष्णा सोनटक्के, जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने, जिला कलेक्टर संदीप कदम, जिला कलेक्टर संजय मीणा सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। विभागीय आयुक्त ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं से बाढ़ का पानी छोड़ते समय नदी किनारे के गांवों को सतर्क करें। उन्होंने कहा कि पूर्व मालगुजारी तालाबों के जल भंडारण को अच्छी स्थिति में बनाया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि राज्य आपदा मोचन बल पिछले साल बाढ़ से प्रभावित गांवों के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण रेखा से प्रभावित गांवों में भी मॉक ड्रिल करे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,705 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,90,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 40,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।